हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। से हाय। हेलो भैया। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, जीजू भी काफ़ी ठीक है। आप लोगों के ब्लॉग्स पे कमेंट्स आते हैं कि दी हमें अपडेट्स देते रहा करो, जीजू कैसे हैं। तो जीजू ठीक है, बस आज जीजू का फ्रैक्चर हम लोग चेक कराने के लिए हॉस्पिटल गए थे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। आज पक्का प्लास्टर हुआ है ना, पर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा आई है फिंगर में भी और पैरों में भी। और गाइस, बहुत दिन हो गए थे हम लोग, मतलब अब थोड़ा है कि माइंड सबके सेट है, हम लोग थोड़ा अपना कि मौज मस्ती से रहें, नॉर्मल रहें, क्योंकि बहुत दिन हो गए गाइस रोने पिटने वाले। हमने कहा चलो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि गाइस वही है, अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। तो जो भी होता है यूँ सोच लिया करो, अच्छे के लिए होता है और उसे मूव ऑन करना ही बेटर रहता है। तो गाइस अभी ना मैं जीजू के पास आई, मैंने जीजू को बोला जीजू हम ना कोई प्रैंक करते हैं और ना मैं अभी किसी को भी नहीं बताना चाहती। तो जीजू ने कहा कि मुझे तो बता। मैंने कहा नहीं, मैं आपको भी ब्लॉग में ही बताऊंगी कि हम क्या प्रैंक करने वाले हैं। प्रैंक हम करेंगे प्रेरणा के ऊपर। अभी ना मैंने मम्मी को बस ये बताया कि मम्मी मुझे कोई प्रैंक करना है, तो आप निशी को ना किसी बहाने से उधर बुला के बिठा लो ताकि यहाँ पे हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ले। तो देखो प्रैंक हमें कोई ऊपर, तो गाइस प्रैंक हमें ये हमारा प्रैंक है कि ना मतलब मैं यहाँ पे कहीं पे कैमरा हाइड करूँगी और उसके बाद मैं ना ऐसे ना आपकी आईज से ना सिकाई करूँगी। वैसे गाइज रोज मैं ही करती हूँ, क्यों मैं खुद ही लेके आ जाती हूँ कि हाँ जीजू चलो सिकाई कर देती हूँ। बट ना आपको निशी को क्या बोलना है कि ना मतलब थोड़े गुस्से से कि निशी ऐसा कर तो घर चली जा, तो वो कहेगी क्यों? तो यूँ कहे ना मुझे भूख लग रही है, घंटा डेढ़ घंटा होगा पूछ ना रही, यूँ ना कर रही, यूँ ना कर, जब ध्यान रखना ही ना तो क्या यहाँ भरते रहे लोग मेरा ध्यान। तो गाइज आप लोगों को हम ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइज आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और हम सभी लोग ठीक है। मम्मी आ गई, क्या कर रही है? हमारा ब्लॉग बन रहा है यार, यू आर वेरी मेंटल गर्ल। तो अभी आप लोग कैसे हो सारे, कमेंट करके जरूर बताना और हम मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय गाइज। सो यस गाइज, हम अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि गाइज पता क्या हुआ, हम दोनों बैठे हुए थे, प्रेरणा एकदम आ गई, तो हमें बात को कवर करना पड़ा। और फिर उसके आधे घंटे बाद मैं ये क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि फिर वो मम्मी पापा नोना सब यहीं बैठे हुए थे। अभी वो जीजू के लिए फ्रूट्स काटने गई है। तो ब्लॉग ये रहने वाला है कि मैंने जैसे आपको बता दिया कि ना मैं आपकी सिकाई वगैरह कर रही हूँ और कुछ ले आऊँगी खाने पीने को, तो आप ये कह रहे हो निशी तू ऐसा कर घर चली जा। तो ये कही क्यों? कह रहे करना तूने वैसे भी कुछ नहीं होता, 10 बार सुबह से सिकाई को कह दिए कर दे और चिल्लाने उल्लाने लग जाना। और गई सच में प्रेरणा का रिएक्शन इस ब्लॉग में देखने वाला होगा, क्योंकि बेचारी पूरा दिन लगी रहती है, पूरा दिन ऐसे करके उसे किलसा देंगे ना, मतलब छोटी मोटे ताने वाने मार देते ना, किलस जाती है हद से ज़्यादा। मैं ऐसा ना कर दूंगा, मगर मेरा कुछ हो रहा है इस कर मुझे घर छोड़ दे ना, तेरे पे कुछ मेरे भी सेवा होना रही, जब हाँ। जो भी गुन्नू करती रहे तू अपना मस्ती अपना सोती रहे अपना फोन चलाते ही। बार-बार आ जाती है, बार-बार आ जाती है, फ्रूट काट के लाई है। तो चलो हम करते हैं सिकाई स्टार्ट और जल्दी से प्रैंक भी स्टार्ट, बने रहना और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स करके, ये जस्ट एक प्रैंक है फन के लिए, और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स करके आप लोग फिर प्रेरणा को प्यार देना कमेंट्स में। बाय, मिलते हैं अब सीधा स्टार्ट करके। फोन की घंटी खोल दी वो सब्जी वाला, फोन ही करता था। अभी मैंने कैमरा चेक कर लिया है, मुझे ठीक लगा, मैं वहीं पे कैमरा सेटअप करने वाली हूँ। बस अभी वही है कि स्टार्ट करते हैं, एंड ये जस्ट एक फ़न के लिए है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोग भी ऐसे ही ब्लॉग्स देख रहे हो जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बट वही है, मैंने सबको बोला, प्रेरणा को भी, जीजू को, प्रेरणा तो इनफैक्ट उसको तो बहुत फोर्स करके मैंने बोला कि तू अपना काम स्टार्ट कर, तुझे कहीं बाहर भी जाना है तो तू जा, और फिर जो जीजू उस टाइम पे होंगे मैं रह लूँगी जीजू का पूरा दिन, जब तक वो रहेंगे मैं साथ रह लूँगी, मम्मी होती हैं, अंशु है, नोना है, हम सब होते हैं, तू आराम से काम पर फोकस कर और स्टार्ट कर, क्योंकि करियर स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, डाउन नहीं करना जो ऐसे एकदम स्टॉप कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। पापा जी वो करेंगे इससे सिखाई, पूरा सब लगा कर बाहर
है गाइस यार, मतलब पता नहीं गाइस, समझ ही नहीं आ रहा कैसा क्या टाइम चल रहा है इतना बुरा। मतलब अभी इतने फ्री होके एकदम व्लॉग शूट कर रहे थे एंड अभी मैंने वो क्लिप तो वैसे कट कर दी बिकॉज वो अब मैंने जस्ट कैमरा लगाया ही था वहाँ पे प्रैंक स्टार्ट करने के लिए और एकदम ही नूना बेड से इतनी तेज़ गिर गई और थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने देखी भी होगी एंड वो जो गिरी है ना मतलब पूरा रिकॉर्ड हुआ है वीडियो में। अभी मैंने जस्ट व्लॉग बंद किया क्योंकि ना वो थोड़ा नींद में हो रही थी और वो वैसे बैठी होती है कॉर्नर्स पे, उसको कभी ऐसे नहीं गिरती वो, पता नहीं एकदम अभी क्या हुआ ऐसे स्लिप हो गई और उसके सर पर लगी चोट बिल्कुल नहीं आई है गाइस, उसको ठीक है एकदम। बट वही है थोड़ा अभी एकदम गिरी थी ना तो 2-5 मिनट रोई थी अभी, बट मैं और प्रेरणा और पापा उसे बाहर ले गए थे थोड़ा घुमा फिरा के लाए हैं तो वो चुप हो गई है और उस वो नींद में ही थी पहले ही, उसको आके बंद हो रही थी बार बार तो अब वो सो गई है आराम से, प्रेरणा सुला रही है उसे। और मैं गाइस प्रैंक कर रही थी माइंड सेट करने के लिए और अगर इसके बाद अभी जीजू और मैंने ये प्रैंक करा होता ना तो प्रेरणा हम दोनों को दुनिया भर की बात सुनाती। तो मैंने कहा चलो कॉन्टेंट ये निकाला था कि सिकाई करके व्लॉग स्टार्ट करेंगे, व्लॉग तो स्टार्ट हुआ नहीं बट चलो कोई नहीं सिखाई कर देती हूँ। सो गई निशी? सो गई? अब ओए नलका बंद कर, कब से कूलर भर रहा है, बंद कर पहले जल्दी। हाँ इधर तुझे एक बात बताऊं? हाँ गाइस अब इसे बता देती हूँ, पहले नहीं बताया था अब बता देती हूँ। पहले देख गई, मैंने ना कूलर में पाइप लगाया हुआ था क्योंकि रात को ही हम एक बार पानी भर देते हैं तो मैं अभी देख रहा हूँ। भर गया, बंद कर दे, गिर रहा होगा बाहर है ना। रोज सिकाई करने से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मतलब आज तो मैंने देखा, आज मतलब मैं नोटिस तो करती हूँ डेली जब सिकाई करती हूँ, तो फर्क बहुत कम हो गया पहले से यार। क्या हुआ, कांप क्यों रहे? इधर आना, तुझे एक चीज दिखानी है कूलर बंद कर, तुझे एक बात बतानी गाइस मतलब इधर आना ऐसे ही वॉक। अरे तुझे दिखाना है, जीजू और मैंने तेरे साथ एक प्रैंक कर रहे थे तो ना नोना जो गिरी है तो ना हमने वहाँ पे कैमरा, ये नहीं नोना के गिरने का प्रैंक नहीं कर रहे थे, मतलब हम दोनों ना प्रैंक कर रहे थे, हमारा कैमरा सेटअप था तो नोना एकदम गिरी ना कैमरे में, ब्लॉग तो स्टार्ट हो रही, नोना गिरी है पूरी एक ही चीज रिकॉर्ड हो गई, कैसे नोना नीचे गई शर्म नहीं आई तो नोना के गिरने का। हम तो तेरे साथ कुछ और मिलके प्रैंक कर रहे थे तो मैंने कैमरा सेट किया था कि स्टार्ट करते हैं प्रैंक अब, और अभी अभी मैंने एकदम कैमरा बंद किया ना, यही बैठी पड़ी थी कैमरा में देख रही थी, बच्चा नहीं देख रहा था, तब तो ऊपर चढ़ गई थी पैर के पास, पता इतनी तेज वो का उसका सर चक्कर। हमने प्रैंक पता हम क्या करने वाले थे कि जीजू और मैं, जीजू तुझे चिल्लाने वाले थे कि मतलब कुछ खा, तो वो रोज चिल्लाता, अरे अभी हम थोड़ा सीरियस होने वाले हो कि मुझे घर जाना है यहाँ नहीं रुकना ये वो, तो हम ये प्रैंक करते और अभी मैंने क्लिप जस्ट बंद करी कैमरा से, वो मेरे शर्म पर चलता, वो बोल ही नहीं सकता, नहीं वो तैयार थे बोलने के लिए। अब गाइस मैं इसे एक बार क्लिप दिखा देती हूँ बट व्लॉग से मैं वो कट कर दूंगी, नहीं भाई व्लॉग में वो क्लिप, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर मिलते हैं और सिकाई फिर दिखाओ। सिकाई मैंने जीजू की कंप्लीट कर दिया एंड गाइस आपको बताती हूँ आज घर में मेरा फेवरेट, नोना तो सो गई एंड गाइस आज घर में मेरा फेवरेट खाना बना है एंड वैसे तो सबको पता है कि हाँ मैं दाल मखनी राजमा बहुत शौकीन हूँ खाने की और जब ये खाना बनता है तो मैं तो बिल्कुल स्किप नहीं करती। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से या ऐसे भी दिखा देती हूँ, मैं डाल के लाई हूँ अपने लिए अभी और जीजू के लिए, मम्मी अभी रोटी बना रही है फिर हम सारे साथ में यही खा लेंगे। जीजू मैंने आपको अच्छा चला के दिया, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस आज कैसे बनाए मम्मी ने, वैसे तो राजमा बनाती है नॉर्मली पर आज दाल मखनी बनाई है और मम्मी के हाथ का खाना तो गाइस जिन्होंने जिन्होंने खाया है वो सभी तारीफ़ करते हैं कि मम्मी के हाथ के खाने में कमी तो कोई नहीं है गाइस, वैसे बहुत स्वाद बनाती है। चले मिलते थे, ये रही फाइनली सो गई है यहाँ पे एंड ना एसी यहाँ पे लगा हुआ है, कूलिंग ज़्यादा यहाँ रहती है तो मैं इसे चारपाई वगैरह लगा के सारे यहीं पर सो जाते हैं और कल वगैरह कल के लिए तो एसी वगैरह अरेंज करवाया है, जीजू वाले रूम में लगवाएंगे गाइस जो रेंट पे एसी वगैरह लगा देते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है उधर और जीजू को अप डाउन करना बार बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो मैं जा रही हूँ बाकी सोने, फिर मिलते हैं। यस गुड नाइट मम्मा, बाय। सो गाइस रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ पर घर में सब सो चुके हैं बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इसलिए हम बैठे हुए थे, हम बहुत सारे लोग हैं गाइस पर चलिए कोई बात नहीं, एक ऐसे 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 लोग हैं गाइस और बहुत सारे लोग हैं पर वो कैमरा में आ नहीं सकते। अबे तो बोल तेरे नाम थोड़ी ले रही हूँ गाइस बैठे हैं बहुत सारे और
बोल रहे हैं पर और गाइस चलिए मैं अभी अपने इस वाले ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, आपसे मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड वैसे ये मेरा एक प्रैंक ब्लॉग होने वाला था बट नोना की और इस वजह से मैंने ब्लॉग फिर आगे शूट भी नहीं, प्रैंक बना रही थी, कैमरा पड़ा हुआ था वहीं पे। हाँ तो चले मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर। वीडियो दिखाइए इसे।